देखते हैं, खासकर गुड्डी मुस्लिम और शाइस्ता पदीन के। ये दोनों 24 फरवरी की घटना में वांछित हैं। गुड्डू मुस्लिम तो शूटर ही था, और इसको आपने ही, आपके चैनल्स ने पूरे देश को सीसीटीवी फुटेजेस के माध्यम से दिखाया। शाइस्ता परवीन इस प्रकरण में टोटल कॉन्स्पिरेसी में शामिल थी, और इस कारण से इस केस में उन पर 50,000 रुपये का इनाम है। एसटीएफ और जिला पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही हैं, और हमें उम्मीद है कि जल्द ही इन्हें गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त होगी। कितना चैलेंज बने हुए हैं दोनों, क्योंकि आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कुछ इनपुट मिल रहे हैं, क्या ये ठिकाना बदल रहे हैं, जगह बदल रहे हैं, किस तरीके का आपको लग रहा है, कितना बड़ा चैलेंज है एसटीएफ के लिए दोनों अभी तक बने? ये जो बड़े माफिया गैंग्स हैं, इनके पास फायर पावर, रिसोर्सेज और ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड सपोर्टर्स की कोई कमी नहीं होती। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे इनका लेन देन होता है, जिनके साथ इनका व्यापारिक संबंध होता है, अथवा इनके पूरे नेटवर्क में शामिल होते हैं, और इस प्रकार के लोग पूरे देश में और संभवतः विदेशों में भी फैले हुए हैं। तो इस प्रकार के गैंग से जो एसोसिएटेड लोग होते हैं, उन्हें पुलिस से कैसे फरार होना है या पुलिस की गिरफ्त से कैसे बचना है, इसके बारे में जानकारी काफ़ी प्राप्त हो गई होती है, और यही कारण होता है कि ये पुलिस के लिए गिरफ्तारी में सरदर्द होते हैं। और गुड्डू मुस्लिम के लिए किस तरीके से आप देखते हैं, कितना अभी तक थ्रेट बना हुआ है आप लोगों के लिए, चैलेंज है? ये एक थ्रेट सोसाइटी के लिए है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली क्राइम करने में सक्षम है। ये बमबाज, कोलोकियल सब तरीके से इसको बमबाज कहते हैं, जो बॉम्ब को चलते फिरते बनाने और फेंकने में माहिर होते हैं। इसके अलावा वेपन्स का भी इस्तेमाल ये कर सकता है, और इंडिपेंडेंटली क्राइम करने में सक्षम है। ये हमेशा से एक कॉन्ट्रैक्ट किलर रहा है। शाइस्ता जिस तरह से इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में शामिल रही हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में जो बातें आई हैं, उससे तो बिल्कुल क्लियर है कि ये गैंग के कार्यों में शामिल रही हैं। इस केस में तो और भी बहुत सारी बातें प्रकाश में आई हैं, यहाँ तक कि अतीक के की बहन, अतीक के बहनोई जो मेरठ में सरकारी डॉक्टर थे, उन लोगों ने गुड्डू मुस्लिम को अपने यहाँ शेल्टर दिया, उसे पैसे दिए, तो पूरी तरह से वो भी कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। और अतीक का ऐसा लगता है कि जैसे पूरा परिवार ही इस प्रकार के कार्यों में लिप्त हो गया।